हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं अभी 2013 का क्वेश्चन पेपर, ये जुलाई का है। ठीक है, जुलाई का क्वेश्चन पेपर है और तीसरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पेपर है इसकी, ये इसका दूसरा पार्ट है। और ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका। तो 15 तक हमने प्रश्न किए थे, उसमें आज हम ज्यादा प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भैरव अंग को व्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त कौन सा स्वर समूह है? आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, म ग रेसा, ग म रेसा, रे ग रेसा, ग म ध प। सही आंसर है इसका सी, रे ग रेसा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, भैरव अंग को व्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त स्वर रेगा रेसा है। भैरव अंग, इस अंग प्रधान राग इसका क्या है, भैरव है। पूर्वीय में मुख्य अंग गामा रेगा रेसा और उत्तरांग में, मतलब कि पूर्वांग में तो ये हो गया, उत्तरांग में गामा धा धा नी प, ये इसका उत्तरांग हो गया। अन्य प्रमुख रागों में अहीर भैरव, भैरव, आनंदी भैरव, वैरागी भैरव, नट भैरव आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें जो औड़व औड़व जाति का राग नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। जो औड़व जाति का नहीं है उसे चिन्हित करना है, तो दुर्गा विवास, शुद्ध कल्याण, मालकोश। सही आंसर है इसका सी। ठीक है, शुद्ध कल्याण औड़ औड़ जाति का राग नहीं है। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ये सी है। कल्याण, शुद्ध कल्याण, कल्याण ठाट का राग है। जाति इसकी औड़व साड़व, वादी ग है, संवादी ध है। इस राग के आरोह में म नी अर्थात अवरोह में म स्वर वर्जित है। गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। अन्यास के स्वर सारे ग अ प है। संप्रकृति राग भोपाली है। परे की कण युक्त संगति इसकी प्रमुखता विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन शास्त्रकारों के अनुसार कौन सा स्वर भी भत्स तथा भयानक रस के लिए उपयोगी माना जाता है? गनी ध प। और मैं आपको बता दूं, नेट का एग्जाम है 25 तारीख को, और 25 तारीख को इसका एग्जाम है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो आपको ये एडमिट कार्ड बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में आप ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, 2 से 3 दिन में, अभी नहीं हो पाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड, जब होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सी। प्राचीन शास्त्रकारों के अनुसार विभत्स तथा भयानक रस ध स्वर के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, विभत्स और भयानक रस कौन से स्वर के लिए, ध स्वर के लिए उपयोगी माना जाता है। अब यहां पे पूरी तरीके से दिया गया है, देख लीजिए, एक तरफ स्वर है, फिर रस है, फिर स्थाई भाव है। ये सारे आपको याद कर लेना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न तो कम से कम आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए सडज है सबसे पहले, तो सडज का क्या है, वीर अद्भुत रौद्र इसका रस होगा, और उत्साह विस्मय ऋषभ का हो जाएगा आपका, वीर उद्भव अद्भुत रौद्र का, उत्साह विस्मय क्रोध। गंधार का करुण हो जाएगा शोक। मध्यम का श्रृंगार हास्य रति हास्य होगा इसका। पंचम का श्रृंगार हास्य रति हास्य होगा। धैवत का भी भत्स और भयानक भय या जुगुप्सा। ठीक है, निषाद का करुण और शोक, तो ये आप याद रखना, इससे एक प्रश्न जरूर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, और याद रखना है आपको ये।
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोमल ग नी वाले रागों को किस समय गाया बजाया जाता है? ए प्रातः 7 से 10 बजे तक, बी प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक, सी सुबह 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक, डी रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक। सही आंसर है उसका बी। ठीक है, कोमल गानी वाले रागों को 10 बजे से 4:30 बजे तक बजाया जाता है। 10 बजे से सांझ को 4 बजे तक गाया बजाया जाता है ये राग दिन में 10 से 4 बजे तक। ठीक है, 10 से 4 बजे तक तथा रात को 10 से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। ठीक है, इनमें गानी कोमल होते हैं, इसमें काफी आसावरी, भैरवी और तोड़ी ठाट के राग आते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और आपको मैं बता दूं, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर मैं करवा चुका हूं नेट के। हाँ, तो वो सारे कोर्स आप कर लीजिए। इस थ्योरी साथ साथ में मैंने थ्योरी भी करवाई है, तो सारे क्वेश्चन पेपर को आप देखें और प्लेलिस्ट मैंने उसके लिए बना दिया है। तो आप सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कीजिए, जिससे आप अच्छे नंबरों से पास हो पाए और नेट भी क्वालिफाई कर पाए और JRF भी ला पाए आप। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, वादी तथा संवादी स्वरों के बीच कौन सा स्वरांतर है? 3:4, 3:5, 3:8 या 8:9। सही आंसर इसका ए होगा, 3:4। वादी तथा संवादी स्वरों के बीच 3:4 स्वरांतर होता है। दो स्वरों के पारस्परिक अंतर को स्वरांतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूनिसन इंटरवेल के बीच कौन सा स्वरांतर है? 1.2, 1.1, 2.3 या 3.4। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, 1.1। यूनिसन इंटरवेल के बीच 1.1 का स्वरांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नारदीय शिक्षा के टीकाकार महाराणा कुंभा है, अभिनव गुप्त है, भट्ट शुभांकर है, दंतिल है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, भट्ट शुभांकर है। ठीक है, नारदीय शिक्षा के टीकाकार भट्ट शुभांकर ने किया है। नारदीय शिक्षा के बारे में पढ़ रहा हूं मैं। 7वीं शताब्दी के लगभग नारदीय शिक्षा नामक ग्रंथ नारद द्वारा रचित है, और ये इस ग्रंथ में सामवेदीय स्वरों को विशेष महत्व देते हुए 7 ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। मतलब कि सामवेद को महत्व देते हुए 7 ग्रामों का, ठीक है, 7 ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? वो साडव, पंचम, मध्यम, षडग्राम, साधारित या कौशिक मध्यम और
मध्यम ग्राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भट नायक के रस के संबंध में कौन सा मत प्रतिपादित किया? उत्पत्तिवाद, अनुकृतिवाद, मुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद? ये भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर है इसका सी। मुक्तिवाद। भट नायक ने रस के संबंध में मुक्तिवाद सा मत प्रतिपादित किया। ठीक है, कौन सा क्या? मुक्तिवाद का। भट नायक का मत मुक्तिवाद वादी कहलाता है। इस मत के अनुसार ना ही रस की उत्पत्ति होती है और ना ही अभिव्यक्ति और ना ही प्रतीत रस को मुक्ति व्यापार द्वारा होती है। नाटक के नाटक में प्रस्तुत अभिनय के कारण सामाजिक अंत भावों का साधारणीकरण होने से रस का भोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भरत भाष्यम ग्रंथ के रचयिता विधारणीय स्वामी है, महाराजा प्रताप सिंह है, विमल कांत चौधरी है या नन्य भोपाल है? सही आंसर है इसका डी। भरत भाष्यम ग्रंथ के रचयिता नन्य भोपाल है। इस अधूरे प्राप्त ग्रंथ नाद श्रुति स्वर का वर्णन है। 14 शुद्ध तथा विकृत स्वरों समूह माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2012 में पद्मश्री पुरस्कार किस संगीतज्ञ को मिला है? ए पंडित जसराज, बी पंडित राजन साजन मिश्रा, सी अब्दुल रशीद खां या डी सविता देवी? देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, अब्दुल रशीद खान। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। 2012 में पद्मश्री पुरस्कार अब्दुल रशीद खान को मिला है। ये आपको सुमलित करना है, इसको मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं, उसका कुट भी मैं आपको दिखा देता हूं। सूची 1 है, सूची 2 है और ये आपके कुट है। नीचे देखिए और बताइए, एक तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम दे रखे हैं, दूसरे तरफ कौन उस वाद्य को बजाता है, सही आंसर है इसका बी। ए का हो जाएगा 3, रुद्रवीणा का हो जाएगा असद अली खां, बी का हो जाएगा 1, संतूर का हो जाएगा भजन सोपारी। ठीक है, संतूर का भजन सोपारी होना चाहिए। उसके बाद हो जाएगा आपका बांसुरी का हो जाएगा रघुनाथ सेठ। ठीक है, और नकारा का हो जाएगा दिलावर खां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, संतूर का ज्यादा याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, रघुनाथ सेठ का ही पूछा जाता है, सारे याद रखो ऐसे। अब देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर ये आपका 27 है, निम्न में से कौन पखावज वादक नहीं है? पागल दास, भगवान दास, पुरुषोत्तम दास, पूर्ण दास?
ठीक है, इसका सही आंसर है डी। ओके, पूर्ण दास पखावज वादक नहीं है, पागल दास, भगवान दास, पुरुषोत्तम दास पखावज वादक से संबंधित वही है, पखावज वादक है वो। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी बंदिश विस्तारशील बंदिश है, टुकड़ा, लगी, चक्रदार या रेला। सही आंसर है इसका डी। रेला, रेला बंदिश एक विकासशील बंदिश है। रेला जो बंदिश है एक विस्तारशील बंदिश है। रेला यह बोल समूह द्रुत लय में बजाया जाता है, जब पलटो या अलंकारों में से कुछ विशिष्ट बोल चुनकर उनको बार बार तैयारी के साथ बजाया जाता है तो उसको रेला कहा जाता है। प्राय यह चौगुन अठगुन की लय में बजाया जाता है। रेलों को प्रचलित करने का श्रेय नाना साहब पांसे को जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मृदंगम की पूरी बनती है, ठीक है, और ऑप्शन है आपके बैल की खाल से, बकरी की खाल से, भैंस की खाल से या घोड़े की खाल से। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बैल की खाल से, ठीक है। ठीक है, ये इसका ए आंसर इसका होगा, बैल की खाल से। मृदंगम की पूड़ी जो बनती है वो बैल की खाल से बनती है। मृदंगम के बारे में बता रहा हूं, मृदंगम वादन कला का एक प्राय विकास ईसवी पूर्व शताब्दियों तक हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नामक व्यक्ति को मृदंग का आविष्कारक माना जाता है। मृदंग के अंतर्गत अक्षर मार्ग, विलेपन करण, यति, लय, गत, प्रचार, संयोग, पाणि प्रहार, प्रहार, मर्जना, अलंकार और जाति विषयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में मृदंग का प्रचार उत्तर भारत व दक्षिण दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। दक्षिण में तो मृदंग प्रमुख तालवाद्य है, ठीक है। तो इसका ए आंसर होगा इसका सही, ठीक है। उसके जो किस खाल से बनता है मृदंगम, मृदंग की जो पूड़ी होती है, मृदंग की जो पूड़ी होती है वो बैल की खाल से बनती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाद्य जिसके द्वारा ताल प्रदर्शित किया जाता है, कांस्य ताल होता है या जल तरंग होता है, तानपुरा होता है या वीणा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, काश्य ताल, ठीक है। काश्य ताल के द्वारा ताल प्रदर्शित किया जाता था। तानपुरा और वीणा तत्वाद्य हैं, जल तरंग घन वाद्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न और मैं जल्दी इस क्वेश्चन पेपर को भी पूरा करवा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से, नाम है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
और या ये आप सर्च भी कर सकते हैं, ऑल म्यूजिक एग्जाम लिखोगे आ जाएगा टेलीग्राम पे, और डायरेक्ट आप टेलीग्राम से इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। 500 के करीब यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, और से डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट मैंने नेट के लिए अलग बना रखी है, और टीजीटी पीजीटी अल्टीग्रेड के लिए अलग बना रखी है, तो वहां से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं और सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। बाकी आप एक चीज आपको जरूर करना है, वो आप शेयर जरूर करें चैनल को जितना हो सके, सबसे ज्यादा आप शेयर करें, जितने भी व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं करें अच्छे से, और ताकि औरों की भी हेल्प हो। बाकी मैं सारी चीजें आपको अपडेट करता रहूंगा कि एग्जाम के जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा वैसे मैं आप सबको चैनल के माध्यम से सब कुछ बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।